आज दोस्तों बारी है एक अपडेट वीडियो बनाने की। तो ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि मुझे अपडेट वीडियो बनाना पड़ा, स्पेशली किसी फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड। तो अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखें। नोकिया 8.1 और 7.1 प्लस का ड्रॉप टेस्ट लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। स्पेशली जिन लोगों ने नोकिया की डिवाइस ले ली है या लेने वाले हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, रिव्यूज़, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, तो अगर मुझे उससे कोई ऐसी चीज़ पता चली है तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूँ। आज हम वही चीज़ देखने वाले हैं। तो हमने बहुत सारे फ़ोन्स की ड्यूरेबिलिटी की है, ऑलमोस्ट 20-25 प्लस फ़ोन्स की पिछले 5 मंथ्स में की है और आगे भी करते रहेंगे। सभी डिवाइसेस मेरी परचेस की होती हैं। हम सारे बेसिक स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि क्विक अनबॉक्सिंग 1 मिनट की, फिर मैं आपको स्क्रैच टेस्ट दिखाता हूँ कि फ़ोन में कंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ किया गया है। उसके बाद हम जाते हैं फ़ोन के स्प्लैश टेस्ट पे, उसके बाद हम बेंड टेस्ट पे जाते हैं कि फ़ोन में कोई इश्यूज़ है कि नहीं। कुछ फ़ोन्स फेल हुए थे जैसे कि ऑनर प्ले, और कुछ फ़ोन्स हल्के से बेंड हो गए थे परमानेंटली, अभी तक स्क्रीन बाहर है। उसके बाद लास्ट में ड्रॉप टेस्ट होता है। तो मैं आपको वेस्ट हाइट से, मतलब यहाँ से, और हेड हाइट से, यानी कि अगर आप 5 to 6 फीट के बीच, जो यूजली सभी लोग होते हैं, यहाँ से मैं फ़ोन गिरा के दिखाता हूँ। तो यूजली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन OnePlus 60 के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 6 था और मैंने नोकिया के नाम से किया था, नोकिया के फ़ोन पे, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर हमसे पूछा जाए कि मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन आप किस कंपनी का मान सकते हैं, तो डेफिनेटली नोकिया का नाम सबके मन में आएगा, क्योंकि हम सभी ने इसकी हिस्ट्री देखी है, बहुत ही अच्छे सॉलिड फ़ोन बनाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको 10 फीट से ड्रॉप किया। तो फ़ोन उस वक्त क्या हुआ था कि 10 फीट से गिराने पर रियर ग्लास पैनल बैक नहीं हुआ था, मतलब अभी भी परफेक्ट है, लेकिन फ्रंट ग्लास आपका ब्रेक हो गया था। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बाद हमने देखा था कि फ़ोन आपका काम कर रहा था, टच में कुछ इश्यूज आ रही थी, वो ऑब्वियसली सेंस बनता है क्योंकि अब स्क्रीन का डिस्प्ले क्रैक हो गया है, तो समहाउ कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। तो मैं मान के चला था कि ठीक है, फ़ोन इसी हालत में चलता रहेगा, टॉप पोर्शन काम नहीं करेगा, जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी काम कर जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या कि फ़ोन मतलब 4 से 5 घंटे के बाद लगभग आपकी स्क्रीन कम्प्लीटली ऑफ हो गई। रीबूट का बटन आ रहा था एंड नोकिया लोगो लिख के आ रहा था, लेकिन उसके आगे फ़ोन बूट नहीं हो रहा था। तो आप कह सकते हैं 12 घंटे के बाद ही लगभग फ़ोन आपका टर्न ऑफ हो गया, कम्प्लीटली ऑन नहीं हो रहा। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि फ़ोन अभी किस कंडीशन में है। फ़ोन बॉक्स में रखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई ना कोई इशूज़ तो है ही है। तो ये देखिए, ये रहा आपके सामने फ़ोन। अगर आपने मिस किया भी है ड्यूरेबिलिटी देखना तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक ग्लास अभी भी परफेक्ट है, कोई इश्यूज़ नहीं हुई है, हमने 10 फीट से भी गिराया था फिर भी काफ़ी सॉलिड है। फ्रंट में आप देख सकते हैं डिस्प्ले यहाँ से क्रैक हुआ था, कुछ बॉडी नज़र आ रही है, लेकिन टर्न ऑन नहीं हो रहा है। मैंने काफ़ी कोशिश की, टर्न ऑन नहीं हो रहा है। एक्चुअली काफ़ी ठंडी डिवाइस है क्योंकि मेटल की है ना, तो ये टर्न ऑन नहीं हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोन आपका कम्प्लीटली डेड है, पावर बटन पर मैंने प्रेस कर रखा है। तो ये कहानी थी अब तक की, क्या हुआ मैंने समरी में बता दिया है, चाहे तो आप कंप्लीट वीडियो देख के जान सकते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको बताने में, वो है इस फ़ोन का रिपेयर। मैंने OnePlus 60 रिपेयर कराया था, उस फ़ोन का फ्रंट डिस्प्ले और बैक दोनों ब्रेक हो गया था। फ्रंट में OLED डिस्प्ले है गोरिल्ला ग्लास 6 से, और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 था। तो वो फ़ोन मैंने रिपेयर कराया। कोई भी मॉडल आप लें, 6 GB 8 GB रिपेयर कॉस्ट सेम होगा। तो फ्रंट डिस्प्ले का चार्ज था लगभग 8,000 रुपये और बैक पैनल का चार्ज था लगभग 2,000 रुपये। 10,000 रुपये में मैक्सिमम बिल आया था मेरा, पूरा फ़ोन रिप्लेस हो गया था, मतलब रिपेयर हो गया था सॉरी, और उसमें कंप्लीट बॉर्डर सब कुछ एकदम सब कुछ रिप्लेस हो गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्प्ले चेंज हुआ था, पूरी असेंबली जितने भी स्क्रैच हमने किए बटन्स पे कहीं हर जगह सब चीज़ हो गई। तो मैं कल गया नोकिया केयर पे सर्च करने कि कितना रिपेयर चार्ज लगेगा। मुझे लगा था 8 से 10 हज़ार लगना चाहिए, क्योंकि एक फ़ोन में हमने इतना पे किया है, इसमें भी उतना ही लगना चाहिए। तो वहाँ पे पहली चीज़ तो ये फ़ोन का पार्ट अवेलेबल नहीं था। ध्यान देने की बात ये है कि OnePlus 60 ब्रेक होने के मैं दूसरे दिन ही गया था OnePlus के सर्विस सेंटर पे लखनऊ में। पार्ट उन्होंने कहा कि जैसे ही फ़ोन लॉन्च होता है सेम डे हमारे पास पार्ट आ जाता है, उससे पहले ही आ जाता है। तो मेरा फ़ोन लॉन्च होने के 2 दिन बाद ही रिपेयर हो गया। ये फ़ोन लॉन्च हुए हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया है, अभी भी नोकिया के पास इसका पार्ट नहीं है, पहली चीज़। ओके, और दूसरी चीज़ क्या कि मैंने पूछा उस जो सर्विस इंजीनियर थे, उनका कार्ड मेरे पास है, मैं आपको कार्ड दिखा सकता हूँ, आप चाहें तो ये देख सकते हैं, ये कार्ड मुझे दिया गया है। और उन्होंने कहा कि मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा पार्ट कब आएगा, मंडे कॉल करने को बोला। तो मैंने कहा कि अप्रॉक्स में कितना लगेगा इस फ़ोन का रिपेयर चार्ज, तो उनके हिसाब से लगभग आपका डिस्प्ले सिर्फ 15,000 के आसपास रिपेयर होगा।
सिर्फ डिस्प्ले आपका 15,000 रिपेयर होगा, बाकी अगर कोई और डैमेज है, जैसे कि अगर आप ये सब पार्ट्स चेंज कराते हैं या कुछ और इंटरनल में कुछ डैमेज हुआ होगा, ऑन नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हिम लगभग आप 22,000 से 23,000 रुपये का खर्चा मान के चलिए इस डिवाइस को रिपेयर कराने में, जिसकी एक्चुअल प्राइस मार्केट में 27,000 रुपये है। अगर आप कुछ कार्ड ऑफर से कुछ लगा देते हैं तो आपको 25,000 के आसपास मिल जाएगा। तो आप सोचिए 25,000 का फ़ोन और उसकी रिपेयर कॉस्ट लगभग 22,000। तो मैंने कहा कि ऐसा स्पेशली इस डिवाइस के लिए तो नहीं है, तो उन्होंने फिर कहा ऐसा नहीं है, आप कोई भी डिवाइस लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नोकिया 6.1 प्लस, उन्होंने कहा कि 15-16,000 रुपये डिस्प्ले और सब कुछ मिला के रिपेयर चला जाता है, जबकि आप 15,000 में नया फ़ोन बाई कर सकते हैं 16,000 में। तो यही सब बातें मुझे कुछ आपको बतानी थी। सबसे पहली चीज़ कि इनके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों अवेलेबल नहीं है, क्या रीज़न है पार्ट्स इनके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, इतना ज़्यादा आपका ओवर प्राइस रिपेयर चार्ज है, आप खुद सोचिए क्या आप इसमें 22,000 रुपये डालेंगे। मतलब मैं तो ऑब्वियसली नहीं रिपेयर करूँगा, मेरे लिए ये फ़ोन तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, मे बी ज़रूरत पड़ी तो मैं नया खरीद लूँगा इसका, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए तो ये पेपर वेट है, मैं इसको ऐसे ही रखे रहूँगा। और तीसरी चीज़, अगर आप इसको दूसरे ब्रांड से कंपेयर करिए, उनकी सर्विस कितनी क्विक हो गई है, उनके रिपेयर पार्ट्स कितने चीप हो गए हैं। पोको फ़ोन F1 आपको याद होगा, मैंने उसका भी डिस्प्ले रिपेयर कराया था, 6,700 रुपये लगा था सिर्फ कंप्लीट डिस्प्ले रिपेयर कराने में, और 2,500 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, पूरा फ़ोन के सारे स्क्रैचेस ख़त्म हो गए थे, तो लगभग 9,000 रुपये में पूरा फ़ोन रिपेयर हो गया था। वही फ़ोन जो हमने लिया था लगभग 22-23,000 रुपये में, जो 6GB रैम का वेरिएंट था, वो आपका 10,000 रुपये में मैक्सिमम पूरा रिपेयर हो गया था। अब ये फ़ोन जो 27,000 का है, उसका ये लोग लगभग 22-23,000 रुपये मांग रहे हैं। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट। तो अगर आपके पास नोकिया का फ़ोन है तो डेफिनेटली बचा के रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ़ोन ख़राब है, बस प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है इनकी जो रिपेयर चार्जेस हैं और जो टाइमिंग लगती है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, वो थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। कि अगर आपके पास ऐसी भी कोई डिवाइस है नोकिया की, आपके पास भी एक्सपीरियंस है कोई जो शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, बहुत से लोग इससे हेल्पफुल हो सकते हैं, स्पेशली मुझे भी हेल्प मिलेगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 ब्रोकन डिवाइस है, तो शायद फ्यूचर में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों अगेन फिर से इस वीडियो को देखने का। मेरा नाम सौरभ है, नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।